दरम्यान विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक नवा पेनड्राईव्ह बॉम्ब फोडलाय. महाविकास आघाडी सरकार आणि वक्फ बोर्डावर त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. दाऊदशी संबंधित असलेले डॉक्टर मुदस्सीर लांबे यांना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी वक्फ बोर्डावर घेतल्याचा आरोप फडणवीसांनी केलाय. दाऊदशी संबंधित संवादाचा पेनड्राईव्ह फडणवीसांनी विधानसभेत सादर केला. फडणवीसांनी सादर केलेल्या ऑडिओ क्लिप्समध्ये काय आहे ते बघूया. मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि मेरी वाइफ मेरे ससरे जो है वो दाऊद के राइट हैंड थे पहले. अच्छा. और मेरा रिश्ता जो हसीना आपा ने कराई थी. अच्छा. बस समझे. और जिसमें मेरी तरफ से सुहेल भाई थे यहाँ पे और वहाँ से जो है हसीना आपा और इकबाल कास्कर की वाइफ मतलब उस दाऊद के भाई भाभी बहन और भाभी इन लोगों ने रिश्ता कराया मेरा. और मसला ऐसा जरा भी कोई हुआ तो डायरेक्ट वो बात वहाँ पूछती है. तो तुमने उनके साथ में अनवर अनवर का नाम सुना होगा ना. अनवर वो लोग मेरे चाचा ही है. वो अभी इंतकाल हुआ उनके. वो भी साथ में ही रहते थे उन लोग के मतलब स्टार्ट से ही रहते थे. अभी क्या कोकन पट्टा जो है मेरा ससरा संभालने का उसको. अच्छा. ब्लैक बेल्ट थे और वो पूरा संभालते थे. अभी क्या बॉम्बे में मेरे चाचा लोग थे ना साथ में उसके सब पहले. अभी मतलब जब मैं मदनपुरा में था ना भिंडी बाजार में मेरे पैदा तो वो लोग के साथ में बैठते उठते थे चाचा लोग. उसका जब इधर पे दौर था तो पूरी कंपनी चलती थी तो इन लोग भी. सेम मसला मेरे घर में चल रहा है अभी. अब वो इशू जो है सीधा उठ के वहीं जाता है बॉम्बे में. इसके लिए वही बोलो. हाँ बॉम्बे से फिर सुहेल भाई वो सब मगजमारी ऐसी चल रही है मेरे घर पे तीन चार दिन से. ऐसा लगता है. हाँ मतलब ऐसा लगता है कि आपकी जान देना ऐसा. तो इसके लिए पूछा मतलब तेरी कहानी क्या है मेरे को सही से बताओ. बोले कुछ नहीं मैं मेरे को अपना टेंशन. तर फडणवीसांनी केलेल्या आरोपांवर नवाब मलिकांची मुलगी सना मलिक शेख यांनी उत्तर दिलंय. मुदस्सीर लांबे यांची नियुक्ती मलिकांच्या काळात नव्हे तर फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये झाली असा आरोप सना मलिक शेख यांनी केला. मुदस्सीर लांबे यांचे फडणवीस यांच्यासोबतचे फोटो देखील त्यांनी शेअर केले आहेत. वक्फ बोर्डावर मुदस्सीर लांबे यांची नियुक्ती 13 सप्टेंबर 2019 आणि नवाब मलिकांकडे हे खातं 2020 पहिल्या आठवड्यात आलं असंही त्यांनी म्हटलंय. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.